ओम शांति। गुड मॉर्निंग मीठे बाबा के 13 अगस्त 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाबा से प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे, सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। बाबा, हम आपकी सेवा में मददगार बनेंगे, सपूत बनेंगे। प्रश्न है, किन्हों का हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है? ट्रिब्यूनल माना धर्मराज की सभा, किसके लिए बैठती है? उत्तर है, जो क्रोध में आकर बॉम्ब से इतनों का मौत कर देते हैं उन पर केस कौन करे, इसलिए पिछाड़ी में उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, विष्णुपुरी में जाने के लिए कौन लायक बनते हैं? उत्तर है, जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपनी दिल नहीं लगाते हैं, बुद्धि में रहता अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ते इस जन्म में हो और पढ़ाई का पद कब मिलेगा? दूसरे जन्म में मिलेगा। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो ओम शांति। महिमा गाते हैं बेहद के बाप की, क्योंकि बेहद का बाप बेहद की शांति और बेहद का सुख का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाबा आओ, आकर हमें क्या दो? सुख और शांति दो। भारतवासी 21 जन्म सुखधाम में रहते हैं, संगम युग का एक जन्म, सतयुग के 8 और त्रेतायुग के 12, 21 जन्म। बाकी जो आत्माएं हैं वो शांति धाम में रहती है। तो बाबा के 2 वर्षे हैं, एक है सुख धाम, दूसरा है शांति धाम। इस समय न तो शांति है दुनिया में, न ही सुख है, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया है ना, तो जरूर कोई दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला चाहिए। बाबा को खिवैया भी कहते हैं, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला। बच्चे जानते हैं, बाबा ही पहले शांति धाम में ले जाएंगे, क्योंकि अब टाइम पूरा होता है। इस ड्रामा का जो टाइम है वो पूरा हो रहा है, तो ये बेहद का खेल है, बाबा कहते हैं। इसमें ऊंचते ऊंच मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है? ऊंचते ऊंच भगवान। सब उनको सबका बाप कहा जाता, वह स्वर्ग का रचयिता है। फिर जब मनुष्य दुखी होते हैं तो लिबरेट भी करते हैं, मनुष्यों को दुख से लिबरेट करने वाला, दुख हरता सुख करता एक ही परमात्मा है। रूहानी पंडा है, पंडा माना गाइड, रास्ता दिखाने वाला है। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं, वहाँ सब आत्माएं रहती हैं। यह ऑर्गन्स यहाँ मिलते हैं जिससे आत्मा बोलती है। आत्मा खुद भी कहती है, जब मैं सुखधाम में थी तो मेरा शरीर सतो प्रधान था, सात्विक था। मैं आत्मा अभी 84 जन्म भोगती हूँ, सतयुग में 8, त्रेतायुग में 12 जन्म मेरे पूरे हुए और फर्स्ट नंबर में जाना है। बाबा ही आकर पावन बनाते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा शरीर से अलग है तो कुछ बात नहीं कर सकती है। जैसे रात में शरीर से अलग हो जाती है, माना भान नहीं रहता है ना, नींद में देह का भान आत्मा को नहीं रहता है, बिल्कुल डिटैच हो जाती है। आत्मा कहती है, मैं इस शरीर से काम करके थक गया हूँ, अभी मैं विश्राम करूँगा। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। अभी नर्क है, सब दुखी है। बाबा आकर कहते हैं, इन बच्चों द्वारा तुमको स्वर्ग का द्वार मिलेगा, माता बहनों के द्वारा स्वर्ग का द्वार मिलेगा। बाबा शिक्षा देते हैं, पावन बन स्वर्ग का मालिक बनो, पतित बनने से ही तुम नर्क के मालिक बन पड़े हो। यहाँ 5 विकारों का दान दिया जाता है। आत्मा कहती है, बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। बाबा का बच्चा जो ओबेडिएंट रहते हैं उन्हें सपूत कहा जाता है, जो आज्ञाकारी है, बाबा के हर फरमान को
प्रैक्टिकल में लाते हैं, ऐसे बच्चे बाबा कहते सपूत है। और कपूत को तो बाबा का वर्षा नहीं मिलेगा, ये बाबर समझाते हैं निराकार भगवान की निराकारी आत्माएं बच्चे हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के संतान बनते हैं तो भाई बहन हो जाते, जब देह होता है तो बहन और भाई, बाकी देह नहीं है, आत्मा के रूप में हम कौन है, सब भाई भाई है। यह जैसे ईश्वरीय घर है और कोई यहाँ संबंध नहीं, कोई भी लौकिक का संबंध हम यहाँ जोड़ नहीं सकते। एक तो अलौकिक संबंध है और दूसरा हमारा पारलौकिक संबंध है। यह बाप दादा है, यहाँ गर्भ जेल में तो सजाएं खाते हैं, सतयुग में जेल होता नहीं, वहाँ पाप ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं इसलिए वहाँ गर्भ महल कहा जाता है। जैसे पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं, वह भी गर्भ जैसे क्षीर सागर है, सतयुग में न तो गर्भ जेल होगा न वह जेल होगा, दोनों जेल नहीं है सतयुग में। आधा कल्प है नई दुनिया, वहाँ सुख है, जैसे मकान पहले नया होता है फिर पुराना होता, वैसे सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। कलयुग से फिर सतयुग जरूर बनना है, चक्र रिपीट होता रहता, ये बेहद का चक्र है जिसकी नॉलेज बाबा ही समझाते हैं। बाबा ही नॉलेजफुल है, इनकी आत्मा भी नहीं समझा सकती, यह पहले पावन थे फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं, तुम्हारी आत्मा भी पावन थी फिर पतित बनी है। बाबा कहते मैं इस पतित दुनिया का मुसाफिर हूँ, क्योंकि पतित मुझे बुलाते हैं और आकर क्या कहते हैं, बाबा हमें पावन बनाओ, मुझे अपना परम धाम छोड़। देखो कितना ऊंचा परम धाम है, इस सूरज चांद का भी प्रकाश वहां नहीं पहुंचता है, बस वो सुंदर अपनी प्रकाश की दुनिया है ओरिजिनल, लाल लाल सुनहरा प्रकाश है वहां पर, इसलिए हमारे बाबा के जितने भी सिंबल है वो लाल है, रेड कलर के हैं, शक्ति का प्रतीक है ना वो। तो प्यारे बाबा कहते कि वो तो है ही अपना घर, तो इतनी दूर से आते हैं पति दुनिया पति शरीर में, यहाँ तो पावन शरीर है नहीं, इतना बड़ा पवित्र पवित्रता का सागर है भगवान, और उसको कहाँ आना पड़ता है भाई, देखो ना किसके कारण किसके लिए, हमारे लिए आना पड़ता, ये तो जानते हो, जो अच्छे कर्म करते हो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। अब तुम पवित्र बन रहे हो, पहले पहले तुम विष्णु कुल में जन्म लेंगे, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। आदि सनातन धर्म किसने स्थापन किया ये भी कोई नहीं जानते, क्योंकि शास्त्रों में 5000 वर्ष के चक्रों को लाखों वर्ष दे दिया, यही भारत स्वर्ग था, अब तो नर्क है। अब जो बाप द्वारा बनेंगे ब्राह्मण, जो बाप द्वारा ब्राह्मण बनेंगे वही क्या बनेंगे, देवता बनेंगे, स्वर्ग का द्वार देख सकेंगे। स्वर्ग का नाम कितना अच्छा है ना, देवी देवता वाम मार्ग में आते हैं तब पुजारी बनते हैं। सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया, सबसे बड़ा मंदिर सोमनाथ का है, राजा विक्रमादित्य ने बनाया कहते ना, तो सबसे वो साहूकार था, उसने ही बनाया होगा, जो सबसे साहूकार है राजा। जो सतयुग में पहले महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, वही जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो शिव बाबा जिसने विश्व का मालिक बनाया है उनका मंदिर बनाते हैं। खुद कितना साहूकार होंगे तब तो इतना मंदिर बनाया होगा ना, देखो राजा इतना साहूकार होगा तभी तो इतना सुंदर सोमनाथ का मंदिर बनाया, और वो भी सोने का हेरे जवाहरतों का था, जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा 17 बारी उसने क्या किया, आक्रमण किया और वो लूट लिया। सबसे बड़ा मंदिर है शिव बाबा का, वो है स्वर्ग का रचयिता, खुद मालिक नहीं बनते हैं बाबा, जो सेवा करते हैं उसको निष्काम सेवा कहा जाता है। देखो भगवान आकर हमें पूरे विश्व का मालिक बनाते, खुद नहीं बनते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बाप जो सेवा करते उसको निष्काम सेवा कहते, बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते खुद नहीं बनते, खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं, बच्चों को लायक बनाते हैं, फिर
आपने जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उनको दे देते हैं, संभालो अभी। और फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। जैसे मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाते हैं, किसी न किसी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, वहीं रहेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, वहाँ भगवान के मंदिर में जाकर सेवा करेंगे, कोई भी हो। तो सेवा करने के बाद ऐसे ही वहाँ पर वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ बिता देते हैं कि भाई लास्ट समय हम तो भगवान की याद करें। आजकल तो कोई करता नहीं है, सत्संग आदि करते रहते हैं, कोशिश करते हैं भगवान से मिलें, परंतु कोई मेरे से मिलते नहीं। सबका लिबरेटर गाइड एक ही बाबा है और सभी है जिस्मानी यात्रा कराने वाले, अनेक प्रकार की यात्रा करते हैं, ये है रूहानी यात्रा। बाप सभी आत्माओं को अपने शांति धाम में ले जाते, अभी तुम बच्चों को बाप विष्णुपुरी में ले जाने के लायक बना रहे हैं। बाबा आते ही है सेवा करने के लिए। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया में कोई से भी दिल नहीं लगाओ, क्योंकि दिल लगाने वाला है ही नहीं कोई। जिसके ऊपर हम भरोसा करें ऐसा है ही कोई नहीं, सब मतलब ही है, दिल तोड़ने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उनसे दिल नहीं लगाओ, लेकिन दिल को आराम देने वाला, दिल को सुकून देने वाला, दिल में बसने वाला विश्वास पात्र निश्चय बुद्धि एक ही परमात्मा है, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं आँख बंद करके। वो कभी हम बच्चों का नुकसान नहीं करेंगे, ना किसी भी प्रकार का करेंगे, बस फायदा ही फायदा करेंगे। तो ऐसे दिलाराम को हम दिल देवे इस दुनिया में दिल है ही नहीं किसके पास, तो क्या दिल देंगे उसको। इसलिए गाना भी है ना, गीत है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके यूं मुस्कुरा के चल दिए। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। अच्छा, तो ये है हमारी बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा, ये अब जाना है नई दुनिया में। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, स्त्री भी है पुरुष भी है। सतयुग में तुम पवित्र थे, उसको कहा जाता है पवित्र दुनिया। यहाँ तो 5-7 बच्चे पेट चिर कर भी निकालते हैं, ट्विन होते हैं ना ऐसे, ट्विन भी नहीं कहेंगे अभी, 4-5 बच्चे एक साथ निकलते बाहर, पेट फाड़ करके निकालना पड़ता है। आजकल तो एक बच्चा हो तो भी सीजर करनी पड़ती है, नॉर्मल डिलीवरी तो है ही नहीं, क्योंकि ये सब माताओं में इतनी ताकत भी नहीं रही। तो बाबा कहते हैं अभी ये दुनिया देखो क्या है, सतयुग में लॉ बना हुआ है। जब समय होता है तो दोनों को साक्षात्कार होता है कि अब बच्चा आने वाला है। श्री लक्ष्मी और नारायण जी को साक्षात्कार होगा कि अभी हमारा वारिस आएगा। उसको कहा जाता योग बल, पूरे टाइम पर बच्चा पैदा होता है। अभी देखो 60-70 एज हो गई फिर भी बच्चा नहीं है, कोई कोई ऐसे है कोई बच्चा ही नहीं, ऐसी उम्र निकल जाती है उनकी। कोई तकलीफ ही नहीं, रोने की आवाज़ नहीं, सतयुग में बच्चे रोएंगे नहीं। आजकल तो कितनी तकलीफ से बच्चा पैदा होता है, माय गॉड, ये है ही दुख धाम। सतयुग है ही सुख धाम, तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो सुख धाम का मालिक बनने, उस पढ़ाई का फल तो इसी जन्म में भोगते हैं। तुम इस पढ़ाई का फल कब भोले मिलेंगे आपको, दूसरे जन्म। बाबा कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, जिसको भगवान भगवती कहते, लक्ष्मी भगवती और नारायण भगवान। सतयुग में उन्होंने किसने बनाया, जबकि कलयुग अंत में कुछ नहीं है, भारत देखो कितना कंगाल है। मैं ही सबको सदगति देता हूँ, सतयुग त्रेता में तुम सदा सुखी रहते हो। बाबा इतना सुख देते हैं जो भक्ति मार्ग में भी फिर उनको याद करते हैं। बच्चा मर जाएगा तो कहेंगे भगवान ने मार डाला। बाबा कहते हैं जबकि तुम कहते हो सब कुछ भगवान ने दिया, उसने वापस लिया, तो रोते क्यों, मोह क्यों रखते हो। सतयुग में मोह होता ही नहीं, देखो क्यों सतयुग है वो, वहाँ सब एक दूसरे पर बहुत बेशक बहुत प्यार करते हैं,
लेकिन मोह किसी का भी नहीं। जब तक जिंदा है तब तक बहुत सुख देगी एक दूसरे को, जाने के बाद कोई रोएगा नहीं। अभी क्यों रोते, सुख ही नहीं देते, बाद में पछतावा होता है, इतना आदमी अच्छा था और हमने इतना उनको दुख दिया, तो ये दुख के पश्चाताप के भी अश्रु हो सकते हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि सतयुग में मोह नहीं, वहाँ जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो टाइम पर छोड़ते हैं। स्त्री कभी भी विधवा नहीं बनती। अभी एक अभियान निकला हुआ है, जो विधवा माताएं हैं उनको भी सौभाग्यवती का जो श्रृंगार है वो दिया जाता है, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए बोल के। बाबा कहते सतयुग में कोई भी महिला विधवा नहीं बनती है। जब टाइम पूरा होता है, बूढ़े होते हैं तो समझते अब जाकर बच्चा बनेंगे, तो शरीर छोड़ देते हैं। सर्प का भी मिसाल है ना। अब तुम जानते हो यह कलयुग की शरीर बहुत पुरानी खाल है, आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। अब बाबा से योग लगाए पावन बनना है। यह है भारत का प्राचीन राजयोग। सन्यासियों का तो है हठ योग। शिव बाबा कहते मैं इन माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता हूँ, माता गुरु बिगर किसका भी उद्धार नहीं हो सकता। बाबा ही आकर सबकी सद्गति करते हैं, तुमको भी सिखलाते हैं, फिर तुम मास्टर सद्गति दाता बन जाते हो। सबको कहते हो मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो, सब खत्म हो जाना है। बॉम्ब्स आदि बनाने वाले खुद भी मानते हैं इससे विनाश होना है, परंतु हमें कौन प्रेरता है ये पता नहीं, समझते एक बॉम्ब फेंकने से सब खत्म हो जाएंगे। देखो बाकी थोड़ा समय है, जब तक तुम कांटों से फूल बन जाओ। यह है कांटों की दुनिया और भारत ही फूलों की दुनिया थी, अभी नहीं है, अभी बनेगी। अब है वैशाले, घर घर क्या है, वैशाले है, फिर क्या बनेगा, शिवालय, अर्थात शिव द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भगवान तो है निराकार, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते, सुख करता दुख हरता एक ही बाप है। भगवान आज मैं तुमको नर से नारायण बनाता, ये पुरानी पतित दुनिया अब खत्म होनी है, मैं पति से पावन देवता बनाता हूँ, फिर तुम चले जाएंगे अपने घर। ड्रामा को समझना है, इस समय देखो मनुष्यों में क्रोध कितना है, बंदर से भी बदतर क्रोध आता है तो कैसे बॉम्ब से सबको मार डालते हैं, पता ही नहीं चलता वो बॉम्ब है क्या, उसकी भी डिजाइन निकली हुई है आजकल। अब इन पर कौन केस करेगा, इनके लिए फिर बाबा कहते हैं कि ट्रिब्यूनल बैठती है, इनको भी भगवान नहीं छोड़ेगा। नाहक इतने लोगों की मौत हो जाती है, पाप तो बनेगा ना उसका, तो सबका हिसाब किताब चुकतू कर देते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, आप मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह मनुष्य तो मनुष्यों के गाइड बनते हैं, बाबा गाइड बनते हैं सर्व आत्माओं के। आत्मा ही कहती है पतित पावन, अब बाप तो हमको पुण्यात्मा बना रहे हैं, स्वर्ग में रूहानी बाप होता नहीं, वहाँ तो है ही प्रारब्ध। यह है यूनिवर्सिटी, राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला नहीं सकता है। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर का लोन लेकर आता हूँ। आत्मा तो शरीर में दूसरे शरीर में आ सकती है ना, यह ड्रामा की नूंद है, इनको फिरने में 5000 वर्ष लगता है। कहते हैं क्या कहते हैं लोग, पत्ते पत्ते में भगवान है, ईश्वर है, है क्या, पत्ते पत्ते में पत्ता हिलता है इनमें आत्मा है, लेकिन नहीं, ये हवा से हिलता है ना। तुम जैसे यहाँ बैठे हो फिर 5000 वर्ष के बाद बैठेंगे, अब बाबा से वर्षा लिया है सो लिया, अभी नहीं तो फिर कब लेंगे भाई, कभी भी नहीं ले सकते हैं। ये समय ही ऊंची कमाई कर सकते हो, फिर सारे कल्प में ऐसी ऊंची कमाई हो नहीं सकती है। अच्छा मीठे मीठे शिकले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बहुत थोड़ा समय है इसलिए कांटों से फूल बन सबको फूल बनाना है, शांति धाम सुखधाम का रास्ता बताना है, वैष्णवपुर में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं, पावन जरूर बनना है, सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। आज का वरदान है प्राग दिल बन अखूट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। प्राग दिल मना ब्रॉड माइंडेड, अखूट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो, किसी से कुछ लेकर फिर देना, वो देना नहीं वो तो व्यापार हो गया ना, लेना और फिर देना, लिया और दिया ये तो बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे प्राग दिल बन देते जाओ, अखूट खजाना है, जिसको जो चाहिए वह देते भरपूर करते जाओ। किसी को खुशी चाहिए, किसी को स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते चलो देते चलो। यह खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता के दरबार में ये समय सब खुला भंडार है, दाता के दरबार में ये समय सब खुला भंडार है, इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दे दो, इसमें कंजूसी नहीं करो। स्लोगन, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। वाह, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब कोई होगा व्यक्ति वो भी अच्छा बन जाएगा। तो ऐसे प्राग दिल बन अखूट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे।